लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपके सामने नीलामी के लिए एक ऐसा घोड़ा आया है जो घोड़ा ही नहीं बल्कि उड़न खटोला है। स्क्वैंडरर का बेटा कमांची आपके सामने नुमाइशी परेड में है। आप सबके लिए ये सुनहरा चांस है। उड़न खटोला, देख लीजिए, पहचान लीजिए। वाह 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 सेठ जी, क्या घोड़ा है उड़न खटोला। जो इसको पाएगा वो कमाएगा। स्क्वैंडरर का बेटा कमांची, सेठ जी किसी भी कीमत पे ये घोड़ा अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए। क्या? कहीं नहीं जाएगा, अपने को ही मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से कहा कोई ज्यादा बोली नहीं लगाए। ओ, आपने कह दिया तो सेठ जी, तो फिर सेठ जी, सेठ जी, सेठ किशन लाल, मैं मतलब किशन, किशन उधर देखिए ना सेठ जी, किशन। लाल पाइप पी रहा है और ये सेठ अंगूठा चूस रहा है। इज्जत का सवाल है, कुछ करना पड़ेगा। आए, थोड़ा तो अच्छा लगता मगर बिकेगा नहीं। कोई बात नहीं, इज्जत का सवाल है, पाइप छीन के लाना पड़ेगा, देखना जरूर बिकेगा। नमस्ते अंग्रेज जी, कैन आई बोरो योर पाइप सर? नो, व्हाई? नहीं नहीं नहीं, नो, थोड़ा इज्जत का सवाल है। नो, एक मिनट, नो के बच्चे हट। सेठ जी ये लीजिए। ये क्या? पाइप, पाइप। ये काहे के लिए? सेठ जी वो देखिए, किशन का बच्चा पाइप पी रहा है और आप अंगूठा दबाए बैठे, बहुत गलत बात है, पीजिए इसको। क्यों? जरा रौब पड़ता है, इज्जत का सवाल है सेठ जी। मैं तो लेके कहां से आया? वो अंग्रेज बैठा ना, उससे लेकर आया हूँ। मैं उसका झूठा पीऊं? अजी झूठा सच्चा गया तेल लेने, इस वक्त इज्जत का सवाल है, जरा पी लीजिए, डाल लीजिए मुंह में, मेरा मतलब इसको पी लीजिए। मजा आ रहा है, लो ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है। अरे आप तो सपेरे की तरह नागिन की बीन बजा रहे हैं। ये बीन थोड़ी है, ये पाइप है, पीजिए पीजिए। अरे नहीं 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 सेठ जी, सेठ जी ये चम्मच थोड़ी है जो सूप की तरह फूकी है। लेकिन देखे हंस रहा है, तो काम कर, घर चल के मुझे पाइप पीना सिखा देना। सेठ जी क्या क्या सिखाऊं आपको भी। मेरा मतलब ऐसा है, मेरे पास एक लंदन से इंपोर्टेड पाइप आया है जिसको मुंह में लगाते ही अपने आप धुआं निकलने लगता है, जरा मजा आता है। काम कर अपना। जी मेहरबान दोस्तों, अब नीलामी शुरू होगी। 1 लाख से कम की बोली मानी नहीं जाएगी। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। सेठ जी इज्जत का सवाल है, सेठ धर्मपाल जी की बोली 5 लाख। सेठ श्री कृष्णलाल जी की बोली 8 लाख। 10 लाख इज्जत का सवाल है। 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख। अरे बाबा सुखिया तू मेरी, 14 लाख। बात सुन तो क्या, अरे तू मेरी बात सुन क्या कर रहा है? 15 लाख, 1, 15 लाख, 2, 15 लाख, 3। अल्लाह ओके। सेठ जी अच्छा हाथ मिलाना चाह रहे? मुबारक हो, थैंक यू, घोड़ा अपना हो गया है और सालों का मुंह काला हो गया, लवली। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेठ धर्मपाल जी ने इस कमांची घोड़े को 15 लाख में खरीद लिया है। मुबारक हो सेठ जी, क्या सौदा किया आपने, 5 लाख का घोड़ा 15 लाख में लिया, वाह। ये घोड़ा आपके लिए डर्बी जीतता है या नहीं ये तो मालूम नहीं, मगर मैं अपने डर्बी में कामयाब हो गया हूँ। मुबारक हो। सॉरी क्यों सेठ जी, बर्बाद कर दिया ना मुझको ना? नहीं नहीं नहीं, वो भी देखिए, वो भी अपना ही आदमी है ना? अपना दुश्मन अपना ही आदमी हुआ ना, और सबसे बड़ी बात अपनी इज्जत का सवाल था।